औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के चाहने वालों के लिए गुजरात से एक अहम खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। गुजरात विधानसभा इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए बैरिस्टर सद्दुद्दीन अवैसी साहब कई दिनों से यहां पर लगातार अपनी जनसभाएं कर रहे हैं और उसी के ज़रिए से आवाम अब एक प्लेटफॉर्म पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को मजबूती से थामे रखी है और दूसरी तरफ आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को सपोर्ट करने के लिए लाखों की तादाद में हमारे दलित और मुस्लिम भाई अब आवाम के दरमियान में आकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को सपोर्ट करने की गुजरात में बात कर रहे हैं, क्योंकि आज दलित और मुस्लिम फैक्टर गुजरात में एक माहौल बनाता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी बीच मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सदर बैरिस्टर सद्दुद्दीन अवैसी साहब लगातार दलितों और मुसलमानों की आवाज़ उठाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप सभी ने देखा ही होगा कि आज जिस तरह से गुजरात में माहौल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की जानिब से बनाया जा रहा है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के पेट में दर्द शुरू हो चुका है, क्योंकि आज की जिस तरह से मजलिस के सदर बैरिस्टर सद्दुद्दीन अवैसी साहब लगातार गुजरात के अंदर अपनी जनसभाएं कर रहे हैं और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के पैगाम को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और इसी के दरमियान आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सदर आली जनाब बैरिस्टर सद्दुद्दीन अवैसी साहब लगातार कोशिका परवार जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की एक हिंदू कैंडिडेट हैं उनके फेवर में आकर जिस तरह से आज मजलिस के सदर बैरिस्टर सद्दुद्दीन अवैसी साहब लगातार उनके लिए वोटों की अपील कर रहे हैं और आवाम से गुजारिश कर रहे हैं कि इनको अपना एक एक कीमती वोट देकर यहां पर कामयाब करें, क्योंकि आने वाले मसले और मसाइल ये आपके दरमियान में रहकर ठीक करेंगे, क्योंकि आज दलित और मुस्लिम फैक्टर मिलकर यहाँ पर एक नया इतिहास रच रहा है और उसी के दरमियान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी आवाम की खिदमत करती हुई नज़र आ रही है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की रातों की नींद उड़ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को रोकने की नाकाम कोशिशें करते हुए नज़र आ रहे हैं और लगातार बैरिस्टर सद्दुद्दीन अवैसी साहब को कमज़ोर बनाने के लिए नए नए हथकंडे आजमाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का फजल करम है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को इंशाअल्लाह तआला मजलिस हरा कर एक नया इतिहास रचेगी। तो आप सब मिलकर ऐसे ही मजलिस का साथ दें। मजलिस से जुड़ी हुई छोटी बड़ी खबरों को देखने जानने पहचानने के लिए बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।